फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी उसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके सफेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल रेमेडी है, मैं आपको बताऊंगी इसे बनाना कैसे है और बालों में लगाना कैसे है ताकि आपके बालों पर अच्छे से वर्क कर सके। इसके इस्तेमाल से आपके बाल काले, घने और जड़ से मजबूत हो जाएंगे और साथ ही आपके बालों की लंबाई भी बढ़ने लगेगी। बिल्कुल नई रेमेडी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी बर्तन में लेना है 2 ग्लास पानी, अब आपको इसमें लेनी है चाय की पत्ती। ये वही चाय की पत्ती है जो आप रेगुलर चाय बनाने में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती से बाल काले होते हैं और जड़ से मजबूत होने लगते हैं। ये बालों का झड़ना बंद कर देती है और इसके इस्तेमाल से बाल सिल्की और शाइन करने लगते हैं। यहाँ पर आपको 2 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है, थोड़ा सा इसे गर्म होने दें। इसके बाद में आपको लेना है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ये बालों को काला और जड़ से मजबूत करता है। यहाँ पर आपको 1 चम्मच कॉफी पाउडर लेना है। अब इसे थोड़ा सा बॉईल होने दीजिए। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी आंवला पाउडर, यानी कि इंडियन गूजबेरी पाउडर। फ्रेंड्स, आंवला पाउडर तो हमारे बालों के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद होता है कि ये बालों को काला और मजबूत बनाता है और साथ ही हमारे बालों का झड़ना बंद कर देता है। यहाँ पर आपको 1 चम्मच आंवला पाउडर लेना है। अब इसके बाद में खास चीज और इसमें ऐड करनी है, हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक। फ्रेंड्स, अगर आपके सफेद बाल ज्यादा हैं तो आप इसमें हल्दी का यूज जरूर करिए। ये बालों को काला बनाती है, ये बालों को जल्दी काला बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है और उनको जड़ से मजबूत करती है। आपको यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी लेनी है। इसमें पाई जाने वाली एंटी फंगल प्रॉपर्टीज बालों को इन्फेक्शन से बचाती हैं। अब इन सभी चीजों को 5 मिनट तक अच्छे से बॉइल कर लेना है। जब इसका कलर हल्का सा डार्क होने लगे तब तक इसको उबाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बॉईल हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे किसी स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेंगे। बहुत अच्छी रेमेडी है ये, इससे बाल जड़ से मजबूत और काले होने लगते हैं। जितनी भी चीजें मैंने इसमें इस्तेमाल करी हैं, वो सभी चीजें आपके बालों को जड़ से काला बनाती हैं। अब इसको छानने के बाद में अब इसमें लास्ट चीज इसमें ऐड करनी है, वो है कैस्टर ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड करूंगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं बताती हूँ। इसको नहाने से 1 घंटे पहले आपको अपने बालों पर लगा लेना है। धीरे धीरे मसाज करते हुए अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाइए। जहाँ पर भी आपके सफेद बाल हैं वहाँ पर इसे अच्छे से लगाइए। आप चाहें तो इसे रात में भी लगाकर रख सकते हैं और सुबह वॉश कर सकते हैं। जब ये अच्छे से लग जाए तो 1 घंटे के बाद में इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। आप चाहें तो अपने बालों को किसी माइल्ड या हर्बल शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और कारगर रेमेडी है। इसे वीक में 2 से 3 बार जरूर अप्लाई करके देखिए। आपके बाल जड़ से काले होने लगेंगे, आपके बाल जड़ से मजबूत और घने होने लगेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत ही अच्छी और घरेलू और अजमाई हुई रेमेडी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसको यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही घरेलू और नेचुरल रेमेडीज लाती रहती हूँ जो
जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली होती हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही नेचुरल और घरेलू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।